क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे अधिक मारा जाने वाला जीव कौन सा है और क्या होगा जब सांप अपने आप को ही काट ले? क्यों ताजमहल के आसपास कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर अपनी उड़ान नहीं भर सकती है? फैक्ट नेक्ट ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट आपके लिए लेकर आया है इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 6, इस दुनिया में अधिकतर जीव दूसरे जीव को मार कर खाता है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मारा जाने वाला जीव का नाम क्या है? आप जानकर हैरान होंगे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मारा जाने वाला जीव मुर्गा है, क्योंकि जिसने भी दुनिया को जगाने की कोशिश की है वो हमेशा मारा ही गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फैक्ट नंबर 5, इंटरनेट की दुनिया में आजकल हर एक चीज ऑनलाइन खरीदी या फिर बेची जाती है। आप शायद नहीं जानते होंगे कि इंटरनेट पर पहली बार ऑनलाइन अगर कोई चीज बेची गई थी या फिर खरीदी गई थी तो वो था एक गांजा का पैकेट, यानी कि इंटरनेट पर पहली बार गांजे को बेचा या फिर खरीदा गया था। फैक्ट नंबर 4, आपने लड़के या लड़की को प्रपोज करने के कई तरीके देखे होंगे, पर शायद चौंक जाएंगे ये जानकर कि जापान के इस आदमी ने 6 महीने तक कुछ इस तरह से ट्रेवल किया कि उसके रूट से गूगल वर्ल्ड मैप पर मेरी मी और एक हार्ट का सेप बन गया। क्या आप इससे ज्यादा यूनिक प्रपोजल कभी देखे हैं? फैक्ट नंबर 3, क्या हो जब सांप अपने आप को ही काट ले? चलिए हम आपको बताते हैं। सांप अगर अपने आप को काट लेता है तो वो भी मर जाता है, क्योंकि सांप का जहर उसके दांतों में रहता है, शरीर पर नहीं। इसलिए उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और वह मर जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हम सब जब कभी भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें जो कुछ भी दवा या फिर परामर्श देते हैं हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। उनमें से एक बात कॉमन है कि बीमारियों से बचने के लिए हाथ धोने चाहिए, पर आज से कई वर्ष पहले जिस डॉक्टर ने सबसे पहले बीमारियों से बचने के लिए हाथ धोने की बात कही थी उसे लोगों ने पागलखाने भेज दिया था। हद है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि ताजमहल से लगभग 7.5 किलोमीटर की एरिया में किसी भी प्रकार के उड़ान जैसे कि एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर को भारत सरकार ने उड़ने से रोक लगाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी भी कोई एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर किसी दुर्घटना में क्रैश होने के बाद जहाँ गिरती है उस जगह को काफ़ी डैमेज या फिर हानि पहुँचाती है, क्योंकि ताजमहल हमारे देश के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। इसलिए भारत सरकार चाहती है कि किसी भी दुर्घटना से देश की धरोहर को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उस एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल घंटी को जरूर प्रेस कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।